हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज का बहाली का जो अपडेट निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तरफ से, असैनिक सल चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर के तरफ से बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ से लगभग 9 बहाली के पद पर यहां पर बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बनाई गई है। तो 9 तरह का पद यहाँ पर टोटल निकल कर आ रहा है और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी का अपडेट देंगे और इसमें बताएंगे कि इसमें मैट्रिक पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक के लोग सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप कोई भी जिला से होंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 9 तरह का बहाली यहां पर निकाला गया है NHM नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड की तरफ से। तो क्या कुछ खबर निकला है, चलिए आज के इस वीडियो में पूरा अपडेट देख लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है, जो कि आपके सामने यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देवघर की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर जो लिखा हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 3/2015 तथा विभागीय पत्रांक 706 MD दिनांक 10/7/15 के आलोक में NHM के तहत अनुबंध के आधार पर शेष पदों पर बैकलॉग नियुक्ति तथा ममता वाहन कॉल सेंटर ऑपरेटर की अनुबंध पर नियुक्ति हेतु पूर्वांग प्रकाशित विज्ञापन कर्मी एवं प्रशासन सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार लागू स्थानीयता नीति के नियम को देखते हुए रद्द निरस्त करते हुए देवघर जिला के योग्य अभ्यर्थी से उक्त अधिसूचना विभागीय पत्रांक के आलोक में इस पत्र के साथ संलग्न विनय रूप में अनुरोध स्वास्थ्य विभाग देवघर जिला के विभिन्न कार्यक्रमों में रिक्त अनुसार अवैच्छिक आवेदन 31/10/2018 संध्या 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो कुछ वैकेंसी निकाला गया था यहाँ पे और उसे रद्द कर दिया गया था, तो बैकलॉग वैकेंसी फिर से यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें आपको हम बता दें टोटल यहाँ पर जो बहाली निकाला गया आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह का बहाली यहाँ पर निकाला गया। तो आज हम आपको इसी का अपडेट देंगे, तो चलिए वीडियो को हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो बहाली का अपडेट निकाला गया आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM के तरफ से बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें आपको पद का नाम हम बता दें यहाँ पर दिखा रहा है दे रहा होगा स्टाफ नर्स ए ग्रेड का बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल को 4 दिया गया, BC1 को 2 दिया गया, BC2 को 1 दिया गया, SC और ST को 1-1 दिया गया। टोटल यहाँ पर 9 पदों की संख्या निकाली गई है और योग्यता की बात कर ले तो मैट्रिक पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक के लोग यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए आप सिर्फ 12 पास वाले लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 12 पास यहां पर आपको मांगा गया है और 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो आपको सैलरी दिया जाएगा 14,300 रुपया प्रति महीना आपको दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर का यहां पर देख लेते हैं, दूसरा नंबर का जो यहाँ पर कार्यक्रम का नाम बताया गया राष्ट्रीय बल सुरक्षा कल्याण क्रम RBSK, तो ये आपका कार्यक्रम का अपडेट बताया गया और इसमें जो पोस्ट का नाम बताया गया ANM का यहाँ पर कोर्स का अपडेट निकाला गया, जिसमें ST SC के लिए 2 सीट बनाया गया और इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 10+2 क्वालिफिकेशन मांगा गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्लीट ANM का कोर्स आपको मांगा गया है रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। और इसमें जो आपका सैलरी होगा 9,900 रुपया प्रति महीना आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं। अगला अपडेट जो यहाँ पर निकाला गया है लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर निकाला, जिसमें BC1 को 1 सीट बनाया गया, तो OBC1 में जो आएंगे उनको यहाँ पर बहाली मिलेगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन बताया गया है 10+2 इंटर पास के साथ आपको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन से आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है और 1 साल का आपका कार्य अनुभव होना जरूरी, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। और इसमें जो सैलरी होगा आपका 6,600 रुपया महीना आपको इसमें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर को जो यहाँ अपडेट निकाला गया है ग्रेजुएशन काउंसलर का यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला, जिसमें जनरल को 3 दिया गया है, BC1 को 1 दिया गया, BC2 को 1 दिया गया,
तो टोटल यहाँ पर 5 सीट बनाया गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया आप देख सकते हैं, मास्टर और बैचलर डिग्री यहाँ पर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको होना जरूरी है, होम साइंस ऑनर्स पेपर आपका होना जरूरी है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में आपका होना जरूरी है, बेसिक कंप्यूटर का आपका स्किल मतलब टाइपिंग वगैरह या फिर आपका MS ऑफिस में आपका काम आना होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा 12,375 रुपया प्रति महीना आपको इसमें मिलने वाला है। अब देखिए अगला जो अपडेट कार्यक्रम का निकल करता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ पर बताया गया, इसमें पद का नाम जो इसमें बताया गया स्टोर कीपर कम प्रो MIS ऑपरेटर का बहाली का अपडेट निकाला, जिसमें 1 सीट बनाया गया है, जनरल को दिया गया है, तो सभी कैटेगरी के लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका होगा यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर मेंटेनेंस इन्वेंटरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कैरियर और वेयर हाउस रिपीट एंड ऑफ इशू ऑफ द फैसिलिटी प्रो MIS फॉलो FIFO डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर का यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन का जो आपका होगा वो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया और मिनिमम आपका 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा 12,000 रुपया प्रति महीना आपको इसमें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला गया, कुक कम अटेंडेंट का बहाली का अपडेट निकाला, जिसमें आपको BC1 को 1 सीट दिया गया। तो BC1 में जो आप आएंगे वही लोग फॉर्म को भर सकेंगे और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया डिप्लोमा इन कुक होटल मैनेजमेंट कैटरिंग का, यहाँ पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा इन कुकिंग का तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैट्रिक पास मांगा गया है और 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। अगर आप मैट्रिक पास है तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो सैलरी देगा 5,500 रुपया प्रति महीना आपको सैलरी दिया जाएगा। अब देखिए 7 नंबर का जो अपडेट निकाला गया फार्मासिस्ट का, यहाँ पर निकाला गया, जिसमें BC1 को सीट 1 दिया गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रजिस्टर अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंप्यूटर परिफ्रेंसी MS ऑफिस इंटरनेट। तो ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा 10,450 रुपया प्रति महीना आपको दिया जाएगा। अब देखिए 8 नंबर का जो अपडेट निकाला गया, देखिए यहाँ पर जो पद का नाम बताया गया है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें जनरल को 1 सीट बनाया गया। और देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है मेडिकल ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट सोशल मेडिकल पब्लिक हेल्थ में, आपको यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिस्ट का आपको यहाँ सर्टिफिकेट मांगा गया है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और उसके अलावा आपका एनी मेडिकल ग्रेजुएट 2 ईयर का आपको मांगा गया है, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। इसमें जो सैलरी आपका होगा 49,500 रुपया प्रति महीना आपको इसमें दिया जाएगा। अब हमारा आखिरी जो बहाली का अपडेट निकाला गया आप देख सकते हैं, ममता वाहन कॉल सेंटर की तरफ से निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते ममता वाहन कॉल सेंटर ऑपरेटर का बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें जनरल को 1 BC1 को 1 दिया गया, मतलब टोटल 2 सीट बनाया गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन कोई भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन पास, 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपको मांगा गया है, MS ऑफिस और इंटरनेट का जानकार होना जरूरी है और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में आपका होना जरूरी है। इसमें जो सैलरी मिलेगा आपको 9,000 रुपया प्रति महीना आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पोस्ट का यहाँ पर क्वालिफिकेशन और पोस्ट का नाम बताया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दे उम्र की सीमा यहाँ पर जो बनाई गई है 31/10/2018 के हिसाब से आप देख सकते हैं, जनरल को 35, OBC1 को 37 और फीमेल UR को 38, ST/ST को 40। जनरल के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपका पद में आप भरेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर एज लिमिट बनाया गया। तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, आपका जो भी यहाँ पर आप जो भी पोस्ट में भरना चाहते हैं उस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपका एज लिमिट बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपका बनाया गया, तो इसको आप देख लीजिए और समझकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो बहाली होगा संविदा के आधार पर बहाली होगा, नियोजन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट तैयार किया गया, क्या नियम वगैरह है आप इसे खुद से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। मैं आपको शॉर्टकट में जो खास खास बातें हैं वही मैं बताऊंगा। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो बनाया गया है आप देख सकते हैं, जनरल को 400, OBC 1-2 को 400 और ST/ST को 200 रुपया बनाया गया है।
और ये जो फीस होगा डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से आपको करना होगा पे। और जो आप पे करेंगे उसका नाम जो यहाँ बताया गया है जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति देवघर के नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना होगा बैंक में जाकर, और आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो आगे का प्रक्रिया हम बता देते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको भेजना है, क्या करना है। देखिए इसका जो एड्रेस बनाया गया है वो हम आपको बता देते हैं, चिकित्सा पदाधिकारी राजकुमारी कुश श्रम परिसर देवघर के पते पर 31/10/2018 के संध्या 5 बजे तक आप इसका आवेदन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं। निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसे फॉर्म को भेज सकते हैं। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है आप devghar.nic.in से पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आवेदन बनाया गया। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो रिटन टेस्ट और एक स्किल टेस्ट, तो आपको रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग वगैरह देना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अप्लीकेशन फॉर्मेट मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्मेट ये है, आपको इसको भरना पड़ेगा और भर कर आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको लगा दीजिए और आप पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।